नमस्ते, जय श्री राधे कृष्ण। मैं लता सिंह आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं आपके साथ कंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। कंद के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और इनके लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है। अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए पैन गरम कर लिया है, एक चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें आधा किलो मावा डालेंगे। मावा होममेड है, फ्रिज में रख दिया था इसलिए जम गया है। इसको 3-4 मिनट भूनेंगे, गैस तेज कर देंगे, गैस कम कर देंगे। इस तरह से दबा करके खोया को मेल्ट करेंगे। अब खोया मेल्ट हो गया है, गैस बंद करेंगे और इसको 5 मिनट ठंडा करेंगे। खोया ठंडा हो गया है, इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। घर का बना हुआ था इसलिए ये बहुत ही घी छोड़ रहा है। जार वाला खोया घी नहीं छोड़ता है। 150 ग्राम नारियल पाउडर है जो मैंने घर में ही बनाया है। 12 इलायची मिक्स करेंगे। ये लड्डू मैं व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए सारी चीजें होममेड ही डाली हैं। नारियल पाउडर मिक्स हो गया है, इसमें डालेंगे 250 ग्राम कंद। मावा ठंडा होने के बाद ही डालें, मिक्स करेंगे। अब मिक्सचर तैयार हो गया है, इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस तरह से। अब कंद के लड्डू बनकर के तैयार हैं। आप ये लड्डू व्रत में खा सकते हैं और इन लड्डुओं को आप फ्रिज में रख दें, 10-12 दिन तक ये लड्डू खराब नहीं होते हैं। आपको मेरे कंद के लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।